पूरी रेलगाड़ी ही लापता हो गई। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और जब 106 यात्रियों को बिठाकर एक नई नवेली रेलगाड़ी तेज रफ्तार से विदा होती है और कुछ घंटों के सफर के बाद पूरी रेलगाड़ी ही हमेशा के लिए लापता हो गई। ये अजीबोगरीब घटना भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर इटली में हुई। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आगे जिन रहस्य से पर्दा उठने वाला है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये घटना 13 जून 1911 की है। अब तक पूरी दुनिया में तरह तरह की रेलगाड़ियों का आविष्कार हो चुका था और इसी सिलसिले में इटली के रोम शहर में जेनेटी ट्रेन कंपनी ने एक बड़ी सुंदर रेलगाड़ी को लॉन्च किया। उस रेलगाड़ी में सिर्फ 3 डब्बे थे, लेकिन तीनों डब्बे बड़े ही बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए थे। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये रेलगाड़ी उस वक्त की सबसे लग्जरी ट्रेन में से एक थी। उस 3 डब्बे वाली रेलगाड़ी में पूरे 100 पैसेंजर सवार होते हैं। रेलगाड़ी कंपनी हर पैसेंजर के खाने पीने का और आराम करने का बड़ा अच्छा इंतजाम करती है और उससे 100 पैसेंजर का ध्यान रखने के लिए उस रेलगाड़ी में 6 क्रू मेंबर भी सवार हो जाते हैं। यानी अब रेलगाड़ी में चालक सहित 106 इंसान मौजूद थे। इटली की वो लग्जरी ट्रेन 14 जून 1911 को अपने पहले सफर के लिए रवाना होती है। जैसे ही रेलगाड़ी को हरा सिग्नल मिलता है, रेलगाड़ी पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ती है। ट्रेन बड़ी रफ्तार के साथ आगे की तरफ निकलती जा रही थी। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे और ट्रेन के भीतर बैठे यात्री इटली के सुंदर नजारे को अपनी आंखों से देख रहे थे। ये रेलगाड़ी इटली के जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारों से होते हुए आगे की तरफ निकल रही थी, क्योंकि ये रेलगाड़ी अपने सबसे पहले सफर पर निकली हुई थी। हर किसी का ध्यान उस रेलगाड़ी पर था। वो रेलगाड़ी जिस भी इलाके से निकलती, वहां के लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हो जाते। और अब उस रेलगाड़ी के सामने पहाड़ी में मौजूद 1 किलोमीटर लंबी सुरंग भी थी और इस रेलगाड़ी को सुरंग के रास्ते आगे बढ़ना था। खैर, वो सुरंग ऐसी कोई खतरनाक सुरंग तो नहीं थी, बल्कि उस सुरंग के रास्ते हर रोज कोई ना कोई ट्रेन गुजरती थी। लेकिन उस दिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज ये सुरंग उस रेलगाड़ी के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाली है। रेलगाड़ी जैसे ही सुरंग के पास पहुंचती है, रेलगाड़ी के ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को धीमा कर देता है। रेलगाड़ी धीरे धीरे सुरंग के भीतर घुस जाती है। जैसे कि अभी तक हमने आपको बताया, सुरंग की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के बराबर थी, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। वो रेलगाड़ी सुरंग के अंदर घुसी तो जरूर, लेकिन अब तक वापस नहीं निकली। अगले स्टेशन के यात्रियों और स्टेशन पर कर्मचारी उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे से 48 घंटे हो गए, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी है, उसके अंदर से अब तक नहीं निकली। देखते ही देखते ये खबर इटली की राष्ट्रीय खबर बन गई। अखबार, मैगजीन, यहाँ तक कि हर गली कोने में एक ही बात सुनाई देती थी कि आखिरकार वो रेलगाड़ी गई कहाँ। और उससे भी ज्यादा लोग इस बात से परेशान थे कि उसमें मौजूद 106 लोगों का क्या हुआ। आनन फानन में रेलगाड़ी की कंपनी द्वारा ये अभियान जारी किया जाता है। शायद सुरंग के भीतर एक गड्ढा मौजूद होगा जिसके अंदर रेलगाड़ी गिर गई होगी। रेलगाड़ी की कंपनी और इटली की सरकार के द्वारा कई जांच एजेंसी को तैयार किया जाता है और अब उन सबको ये काम दिया जाता है कि कैसे भी करके इस बात का पता लगाया जाए कि 106 यात्रियों सहित पूरा का पूरा रेलगाड़ी कहां गायब हो गई, कैसे गायब हो गई और कहां गायब हो गई। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जांच एजेंसी तो तैयार हो गई, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस सुरंग के अंदर घुसकर इस बात की जानकारी निकाले। सभी जांच अधिकारी उस सुरंग के अंदर घुसने से पूरी तरह डर रहे थे और इन्हें डर लग रहा था कि पूरा का पूरा रेलगाड़ी गायब हो गया तो जांच करने वाले लोगों का क्या होगा। लेकिन फिर भी डरते डरते कुछ लोग अधिकारी सुरंग के भीतर जाते हैं। सुरंग के भीतर हर एक चीज की बारीकी से चेकिंग की जाती है, लेकिन जांच के बाद जो रिजल्ट सामने आता है वो कहानी और भी रहस्यमय बना देता है। जांच अधिकारी बताते हैं, सुरंग के भीतर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और सुरंग एकदम सही है और उसके अंदर कोई छोटे से छोटा गड्ढा भी नहीं है। महज कुछ देर पैदल चलने के बाद जांच अधिकारी सुरंग के एक किनारे से दूसरे किनारे पर निकल आते हैं, लेकिन सवाल यही था कि इसके बावजूद 106 यात्रियों वाली रेलगाड़ी आखिर कहां गई। अब तक 15 दिनों का वक्त निकल चुका था और रेलगाड़ी लापता थी। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया की सबसे रोचक खबर बन गई। ये सिर्फ इटली में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि रेलगाड़ी गायब हो चुकी है। 1 महीने का वक्त निकल गया और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि शायद ये रेलगाड़ी अब कभी नहीं मिलेगी। और तभी इटली में 2 लोग सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो दोनों आदमी उसी रेलगाड़ी में सवार थे जो रेलगाड़ी लापता हो गई। वो दोनों बोलते हैं, जैसे ही रेलगाड़ी सुरंग के अंदर एंट्री करने वाली थी, वो दोनों इंसान रेलगाड़ी से बाहर कूद गए, इसलिए उनकी जान बच गई। अब पूरी दुनिया उनसे सवाल पूछ रही थी कि आखिर उनको ऐसा क्या दिखाई दिया जिसकी वजह से ये लोग चलती ट्रेन से कूद गए, जिसके बाद ये दोनों जवाब देते हैं। रेलगाड़ी जैसे ही सुरंग के अंदर घुसने वाली थी, रेलगाड़ी के अंदर सफेद धुआं भरने लगा। सभी को
महसूस हुआ कि रेलगाड़ी के अंदर कुछ बुरा होने वाला है और रेलगाड़ी के अंदर मौजूद लोग डरने लगे थे और इसी बीच डर के मारे वो दोनों रेलगाड़ी से बाहर कूद गए। ये बात सच है कि इन दोनों के शरीर पर गिरने के जैसे चोटों के बहुत सारे निशान भी थे, लेकिन डॉक्टर ने उन दोनों आदमियों को पागल घोषित कर दिया और उनकी बात को दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। तभी मेक्सिको देश का एक डॉक्टर सामने आता है और बोलता है, जिस दिन वो रेलगाड़ी लापता हुई थी उसके अगले दिन उसके अस्पताल में 104 मरीज आते हैं और हैरतअंगेज तरीके से उन सभी 104 मरीजों का दिमाग कमजोर हो चुका था। वो डॉक्टर बताता है कि पहली बार ऐसा मामला सामने आया था जब 104 मरीज एक साथ रूस के उस अस्पताल में दिमागी इलाज के लिए पहुंचे हों। ये सभी मरीज कौन थे, कहां से आए थे, इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। लोग मेक्सिको के डॉक्टर की बात सुनकर हैरान इसलिए भी हो गए क्योंकि वहां पर 104 मरीज आए थे और अगर उन दो पैसेंजर को जोड़ दें जो सुरंग में एंट्री के वक्त रेलगाड़ी से उतर गए थे तो संख्या होती है 106। और ये जब रेलगाड़ी सफर शुरू की थी तो 106 लोग ही तो थे जो बैठे थे। धीरे धीरे ये मामला और भी पेचीदा हो रहा था, लेकिन रेलगाड़ी अभी भी गायब थी और अब तीसरी घटना ऐसी होती है जिसने रेलगाड़ी की गायब होने की पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। मेक्सिको में अचानक से खबर फैल जाती है कि जो रेलगाड़ी 1911 में इटली से गायब हुई थी बिल्कुल वैसी ही एक रेलगाड़ी 106 पैसेंजर को लेकर मेक्सिको में 1840 में देखी गई। यानी कि जिस रेलगाड़ी के गायब होने की घटना 14 जून 1911 को इटली में हुई, मेक्सिको के लोगों के मुताबिक 100% वैसी रेलगाड़ी और उसमें 106 लोग सवार थे, वैसी रेलगाड़ी को मेक्सिको में 1840 में देखा गया। इसके बाद ये रेलगाड़ी कभी नहीं दिखाई दी और हैरानी की बात ये है कि मेक्सिको में इस डिजाइन की रेलगाड़ी कभी चलाई ही नहीं गई थी, जिसके बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि रेलगाड़ी गायब होने वाला ये मामला टाइम ट्रेवल से जुड़ा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जैसे यह रेलगाड़ी सुरंग के अंदर दाखिल होती है वैसे यह रेलगाड़ी समय यात्रा में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि सिर्फ मेक्सिको के लोग ही नहीं बल्कि रूस के लोग भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बहुत पहले अपनी कंट्री में बिल्कुल वैसी ही रेलगाड़ी को देखा है। हालांकि इन सब के अलग अलग इटली में एक और बात आग की तरह फैल गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि शायद अपनी पहली यात्रा के दौरान वो रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई होगी और अपनी बेइज्जती से बचने के लिए रेलगाड़ी कंपनी ने ट्रेन के कई यात्रियों सहित पूरा का पूरा रेलगाड़ी गायब करवा दिया। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये संभव भी है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की रेलगाड़ी अपने पहले ही सफर पर गायब हो जाती है तो यह उसके लिए कितनी बुरी बात होगी। इस बात से इटली के बहुत सारे लोग इस दावे पर यकीन करने लगे कि जेनेटी ट्रेन कंपनी ने अपने पैसेंजर सहित उस दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी को हमेशा के लिए गायब करवा दिया। और यही वजह है कि साल 1911 के बाद आज तक यह रेलगाड़ी दोबारा नहीं देखी गई। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप इस रेलगाड़ी के बारे में गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। यह उस वक्त की सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज थी। खैर आज भी हमारी दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, हालांकि ऐसी चीजों पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं दुनिया में हो चुकी हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।